बरही में माइनिंग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में छापेमारी कर अवैध कोयला से लदी 13 गाड़ियां और 3 पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि ये लोग कोयला का फर्जी पेपर बनाकर कोयले को बिहार और यूपी में बेचा करते हैं। कोयले के इस कारोबार से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अभी कोयले की गाड़ी को छुड़ाने के लिए माफिया और तस्कर थाने का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, बरही थाना क्षेत्र से जो है अवैध कोयला लदी गाड़ियां जो है इधर से जा रही है बिहार की ओर, तो हम लोग जो है आज आकर के मैं रेड किया यहाँ पे। तो अभी जो है यहाँ पे 11 जो है कोयला लदे ट्रक जो है यहाँ पकड़े गए हैं और उसमें जो है सब में अवैध कोयला लदा हुआ है। मुझे गुप्त सूचना प्राप्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।